प्रचार खत्म हो चुका है। तो श्रोमणी अकाली दल वालों भी बड़ी आवाज़ उठाई गई है, इलेक्शन कमीशन को बटाला ला लो, जलालाबाद ला लो, हर थान धक्के शाही की आवाज़ उठी है, कितने कोई सुनवाई नहीं हो रही। तुम मानते हो कि कल ये चोणा जड़िया ने निरपक्ष करा सकन गए, की कहना चाहते हो? कोई गल कर सब तो पहला तो मलकपुर वाले बाबा जी को, बाबा सतिंदर सिंह जी को गुरु साहब के चरणों च नतमस्तक हो वास्ते, गुरु साहब दीयां खुशियां लैण वास्ते इत्थे आए हैं। सालाना समागम इत्थे गुरु साहब की उस्तक के मनाए जाते हैं। इस बारी गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के 400 साल समर्पित ये समागम मनाए जा रहे हैं। नगर कीर्तन भी निकल जिथे गुरु साहब सारिया की हाजिरी अपने चरणा कमलों च नवा लवा सानू सबत बख्शिश कर, चंगा जीवन नेक जीवन की दात बख्शिश कर, नाम बाणी के नाल जोड़न, इतने मेरी ये अरदास है। और बड़े असी बड़भागी हाँ कि सानू गुरु साहब के चरणा च इतने महापुरखों को आने का मौका मिले। मजीठिया साहब, साका ननकाणा के भी 100 साल हो गए हैं SGPC वालों, तो श्रोमणी अकाली दल वालों मनाए जा रहे हैं इस इलाके के, उस संबंधी की कहना चाहते हो? देखो, बड़ी चंगी गल है जी कि जिन्हें भी गुरु साहब न संबंधित कोई पुरब है या कोई यह जहाँ समा जेड़ा पिछले समय से गुरु साहब के वास्ते समर्पित कोई दिन है, वो जिन्हें भी सत्कार नाल जिन्हें भी श्रद्धा नाल उन्होंने गुरसिखा दे गुरु दे पुरब मनाए जाने चंगी गल है। मौका मिलता एक परमात्मा नाल जुड़न का, मौका मिलता है बाणी नाल जुड़न का, इसलिए बाणी ते बाणे का सत्कार सदा ही चाहिए। और ननकाणा साहब की याद से जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बड़े सत्कार नाल बड़ी श्रद्धा नाल ये पुरब मनाया जा रहा, चंगी गल है जी। इस चाहिए भी है, 100 साल जिहड़ा समर्पित है, गुरु कृपा करे वध तो वध संगत आके उहदे च आपका हिस्सा पावे और समझे कि पिछले समय से किवें किवें केड़े केड़े ये जे वाकया होए थे, जिन्हां च बहुत कुछ सीखने की लोड़ है, समझने की लोड़ है, कहां सचेत रहन की भी लोड़ है। मजीठिया साहब, बड़ी त्रासदी है इस वेल किसानों की, श्रोमणी अकाली दल ने एक जाग लाई, देश पदरी अंदोलन बनया, तुम वजीरी भी छड़ी केंद्र की, भाईवाली भी छड़ी, हुण केंद्रीय मंत्री ने जो उन्होंने संसद वच आवाज़ जी गूंजी है, पर अजे भी भाजपा जी टस तो मस नहीं हो रही, पैर पिछे नहीं पुट रही, की कहना चाहते? देखो, अहंकार है जी, जिहड़ी सरकार तो लोगों की होंगी है, लोग चुनते हैं जी, और लोगों की आवाज़ लोगों के दर्द न जिहड़ी सरकार सुनूगी उही सरकार कौन दे लायक होंगी, नहीं सुनूगी तो फिर उन्होंने तानाशाही डिक्टेटरशिप आप कह सकते, और तानाशाही डिक्टेटरशिप राज जिहे जे राज लंबा समा नहीं चलते, वो समा जरूर उन्होंने मिल जाता, मगर लंबे समय वो गड्डी चलती नहीं। बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा कि किसानां वास्ते पैरासाइट वर्गे लफ्ज अंदोलन जीवी जिन्हों कहा कि यह जी भाषा का प्रयोग हो दुख में पहुँचता मनू कि यह देश खेती प्रधान देश है, पंजाब खेती प्रधान सूबा है, 100 तो वध कीमती जाना चली गई ने इस अंदोलन च, रोज़ खुदकुशियां दियाँ क्योंकि किसानी एक लाहेवंद धंधा नहीं है, और खुदकुशियां दियाँ खबरां लंबे समय तो सुन रहे, और लड़ाई एक ही है कि जिहड़ा धंधा अगे लाहेवंद नहीं तो आप इह जे कानून लियावांगे जिहदे नाल दो कारपोरेट घरानियां नूं कल्ला फायदा पहुँचे, वो गल चंगी नहीं। पता नहीं की गल है कि भाजपा हले भी अपनी अड़ी ते अड़ी है, मगर मैं समझदा जित गुरु साहब की बख्शिश नाल किसानां दी होगी, क्योंकि सच्चे पातशाह ने आप हल वाया, गुरु साहब ने आप किरत करना, नाम जपना, वंड छकना, ये देश दिता। सो समा थोड़ा जरूर लग सकता, मगर जरूर मैं समझदा कि ये मेहनत कश कीर्ति किसानां दी जित जरूर होगी। मजीठिया साहब, तुम्हें भी कहा कि 100 जिहड़ियां ने किसान कुरबानियां दे चुके, जग भी जानता, पर केंद्र के मंत्री ने कहा कि साढ़े को सिर्फ 2 ही ने जिहड़े आए, भी 2 जणे की कुरबानी शहीदी हुई तो उन्होंने कोई मुआवजा नहीं देना, की मानते हो भी इन्नी सरकार जिहड़ी है मतलब अपनी जित अड़ गई है, उन्होंने अंकड़े भी नहीं दिखाई दे रहे? देखो, रैकगनाइज नहीं कर रहे तो गल बड़ी सीधी है, प्रधानमंत्री साहब जदों इंडोनेशिया च जहाज डिग गया उहदे बारे जिक्र किया, चलो ठीक है करना भी बनता, मगर थोड़े अपने
देश वासियां दा खून डुलिया उहदे वास्ते तुसीं जिक्र तक नहीं करदे, अफसोस तक नहीं जाहर करदे। इहदे नाल दोगलापन, दोगली राजनीति, अहंकार बड़ा कुछ झलकदा। ਉਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰ ਨੇ, UN ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੀਸਫੁੱਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੋਊ। एक लास्ट चोणों का जी नगर निगम चोणों ने, पंचायती चोणों ने, जलालाबाद की गल कर लो, पट्टी की कर लो, पंजाब के थां थां ते धक्केशाही दी जिहड़ियां ने तुसीं आवाज़ भी उठाई, कितने सुनवाई नहीं हो रही। अज आखिरी दिन की वोटरां नूं अपील करनी चाहुंदे हो ते की चेतावनी देनी चाहुंदे हो जिहड़े विरोधी ने, जिहड़े धक्केशाही हो रहे? सब तो पहला तो एक गल बड़ी क्लीयर है जी कि 40-45% सीटां 'च तां चोण हो ही नहीं रही, उत्थे तां कागज़ ही उडा के कांग्रेस ही चुन लिया। लोकतंत्र का ऑलरेडी घान तां हो गया, जिहड़ी 55-60% सीटा च इलैक्शन हो भी रही ने वह ना बराबर ही है। और इलैक्शन कमीशन जगपाल संधु का जो रवैया रहा है, मेरा तो यह मानना उन्होंने तो कार्रवाई होनी चाहिए लोकतंत्र के घाट वास्ते। उन्होंने तो फड़ के कोई परचा दे जिहड़ा लोकतंत्र के हक च है कि इस बंदे नू देखो कागज़ दाखिल होने हैं जिथे, जे उत्थे लोग सुरक्षित नहीं तो बाहर की हालात होने। जिस दिन सरदार सुखबीर सिंह बादल और आते होया, टाइम लिया होया एस डी एम तो कागज़ दाखिल होने से, उत्थे जे गुंडागर्दी हो रही है, गुंडा नाच चल रहा है, तो बाकी जगह का की कुछ हो रहा होना, अंदाजा आप ला लो। और ये हर जगह यही कुछ होया, पिखीमिंड भी ये होया, बटाले भी खबर आई ने, साडे मजीठे भी कोशिश की गई कि कागज़ उड़ाते जा, मगर इस हसा इस माहौल च इलैक्शन ते इन्ना खर्च भी करना, लोकतंत्र नूं बहाल भी नहीं रहन देना। मैं समझदा जिहड़े अफसर कताई कर रहे हैं उन्हां नूं भी जवाब देना पऊगा। मेरी तो लोगों के अपील है कि वह तगड़े रहन, डरन ना, और लोकतंत्र की बहाली वास्ते आपका योगदान पाउण। मुश्किल बड़ा क्योंकि जिन्ना वोटर ने, कोई दिहाड़ीदार है, कोई छोटा दुकानदार है, उन्हों कदे एक्साइज़ वाला परेशान कर रहा, कदे टैक्स वाला परेशान कर रहा, कदे बिजली वाले का रेड हो रहा, कदे पुलिस उत्ते दबा रही है, थानेदार तो कई आप ही चोन प्रचार से उतरे कांग्रेस। सो इन हालात केड़ी इलैक्शन रह गई है ये वेखण की गल है। अज वोटर लिस्टा में बदल दिखाई, लोधी दंगल साहब कह रहे हैं कैंडीडेटा के भी इलाके अच बदल दते, जो चोन लड़े दूजे उस संबंधी भी कोई काफ़ी धक्केशाही हो रही है। अभी तक बंदे बचे रह जाने, इन्नी बड़ी प्राप्ति है, तुम वोटर लिस्ट बदलने की गल कर रहे हो, अमृतसर दियां वोटां बटाले ना करते हैं ये जी।